याद रखना राणा, अब तुम्हारी मुलाकात डीके से नहीं अपनी मौत से होगी। अरे डीके, राणा की मौत इतनी छोटी नहीं जो तुम्हारी मुट्ठी में हो। घमंडी एक्टर राजकुमार अपने बेबाक अंदाज और बड़बोलेपन को लेकर सुर्खियों में रहते थे। रील हो या रियल, बातों में उनका कोई सानी नहीं था। कई डायरेक्टर्स और फिल्मी एक्टर्स के साथ उनके पंगों के किस्से मशहूर हैं। 26 साल की उम्र में फिल्मी पर्दे पर दस्तक देने वाले एक्टर राजकुमार की पहली फिल्म साल 1952 में आई थी, जिसका नाम था रंगीली। इस फिल्म के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी शर्तों पर काम किया। अपने हाजिर जवाबों से अक्सर लोगों के मुंह में तमाचा लगा देने वाले अक्खड़ एक्टर की बातों को सुनकर एक बार एक नामी डायरेक्टर मझधार में फंस गए थे। राजकुमार की एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। उनके बारे में फेमस था कि वे दबाव में काम नहीं करते। 37 साल पहले एक फिल्म आई जिसकी स्क्रिप्ट देखने के बाद उन्होंने डायरेक्टर साहब से जो कहा, उस बात ने उनकी हवाइयां उड़ा दी थी। 1987 में निर्माता प्राणलाल वी मेहता एक फिल्म लेकर आए जो एक्शन और ड्रामा से भरपूर थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था मेहुल कुमार ने। इस फिल्म से जुड़ा मजेदार किस्सा खुद डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था। ये फिल्म थी मरते दम तक, जिसका एक गाना तो आज भी लोग गुनगुनाते हैं, जिसके बोल हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। मेहुल कुमार ने बताया कि फिल्म का नाम मरते दम तक सुनने के बाद राजकुमार इम्प्रेस हो गए थे। राजकुमार से जुड़े किस्से को साझा करते हुए मेहुल कुमार ने बताया, डायरेक्टर ने बताया था, मैं राज साहब से मिलने गया, वे आए और मैंने उन्हें स्क्रिप्ट दिखा दी। उन्होंने देखते ही हैरानी से कहा, उर्दू में स्क्रिप्ट? इस पर मैंने कहा कि सर, मुझे मालूम था कि आपको स्क्रिप्ट उर्दू में पसंद है, इसलिए मैंने पूरी स्क्रिप्ट ही उर्दू में ट्रांसलेट करके रखी थी। मेहुल ने आगे बताया कि राजकुमार साहब ने स्क्रिप्ट के पन्ने पलटे, उन्हें देखा और 5 मिनट के बाद वहां से चले गए। तभी डायरेक्टर साहब टेंशन में आ गए। मन में विचार आ रहे थे कि पता नहीं उन्हें ये स्क्रिप्ट पसंद आई या नहीं। डायरेक्टर साहब खुद को मझधार में फंसा महसूस कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद राजकुमार आए और उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि वह अगले रविवार को हम वापस यहीं मिलेंगे। पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं फिल्म करूंगा या नहीं। हालांकि अगला रविवार जैसे ही आया तो मेहुल उनके पास पहुंचे। राजकुमार बाहर आए और उन्होंने मेहुल को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी मुझे बहुत पसंद आई है और मैं फिल्म के लिए तैयार हूँ। ये सुन डायरेक्टर साहब ने चैन की सांस ली। एक्टर ने प्रोड्यूसर के बारे में पूछा तो उन्होंने निर्माता प्राणलाल वी मेहता का नाम बताया। हालांकि ये सुन उन्होंने मेहुल से कहा कि वे 2 फिल्मों के लिए प्राणलाल को ना कह चुके हैं। हालांकि इस हाँ के बाद मेकर्स ने बताया कि 6 महीने में फिल्म पूरी होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो पहले दिन ही राजकुमार अपनी कार से नहीं बल्कि टैक्सी से सेट पर पहुंचे। उन्हें ऐसा करता देख सेट पर हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में पता चला कि राजकुमार की कार रास्ते में ही खराब हो गई थी। 2 घंटे 36 मिनट की इस फिल्म को IMDb ने 4
1.6 रेटिंग दी है। फिल्म का बजट करीब 1 करोड़ 40 लाख के आसपास का था। वहीं फिल्म की कमाई की बात करें तो फिल्म ने करीब 4.25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म 1987 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के टॉप 20 फिल्मों में शुमार थी। दोस्तों, अभिनेता राजकुमार के बारे में जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको राजकुमार की कौन सी फिल्म, कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद है ये भी जरूर बताइए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।